22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश राममय होने की तैयारी कर रहा है। हिंदू सहित इस देश का मुसलमान भी रामलला के स्वागत की तैयारी कर रहा है। ऐसे में शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में पोहरी के पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के सुपुत्र द्वारा रामकाज में लगे भक्तों के साथ अभद्रता की गई। इसलिए पोहरी में बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं सहित भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी मंत्री के बिगड़ेल पुत्र के खिलाफ FIR की मांग को लेकर पोहरी थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व मंत्री के पुत्र के इस आचरण से कार्यकर्ताओं में रोष है। आज बजरंग दल और हिंदू दल के नेताओं द्वारा पूर्व मंत्री पुत्र जीतू ठाकर और उनके साथियों पर FIR की मांग को लेकर पोहरी थाने के सामने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अगर पूर्व मंत्री के पुत्र पर FIR नहीं होती है और साथ ही मंत्री पुत्र माफी नहीं मांगते हैं तो चकाजाम भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को कस्बे के कॉलेज ग्राउंड में विशाल सुंदरकांड और शोभा यात्रा का आयोजन बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने रखा है। इसी आयोजन की तैयारी कर रहे थे और पोहरी की साज सज्जा की जा रही थी, तभी पूर्व मंत्री पुत्र आधम के और गाली गलौज करने लगे। राम जय श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो 22 तारीख में पोहरी में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे थे हम सभी कार्यकर्ता जी, उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चौराहे पर कल हम झंडे एवं बैनर लगा रहे थे। उस समय जो भाजपा से यहाँ से पूर्व विधायक रहे सुरेश राठखेड़ा जी का पुत्र जीतू ने आकर गाली गलौज की, सभी कार्यकर्ताओं को धमकाया और कहा कि पोहरी के बाप तो हमें हमारे बिना कार्य। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।